गॉड इज वन, गॉड्स आर नन, हम भी इस पर विश्वास करते हैं। बहुत अच्छा अच्छा प्रयास है आपका। ईश्वरीय परिवार को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही एक सुंदर ऐसी फिल्म का गॉड ऑफ गॉड्स का निर्माण किया है जो व्यक्ति को सात्विकता की ओर प्रेरित करती है। हमारी जो तीन प्रकार की चेतना है, स्वार्थ की, परार्थ की और परमार्थ की, तो हमें स्वार्थ से ऊपर उठ करके परार्थ और परमार्थ की ओर ले जाने का हमें संदेश देती है। I'm really delighted to be here for this preview of God of Gods. And you know, from the perspective of the Interfaith Harmony, the Temple of Understanding India Foundation, of which I am the General Secretary, I feel that it is a very valuable contribution to the process of educating the people, especially the young generation, on how to perceive the understanding of the oneness of God, the oneness of all religions, and the oneness of all humankind. I truly congratulate and appreciate the endeavor of the Brahma Kumaris movement. The producer is here, the director is here, and it is a very wonderful creation. Let's hope that the message it conveys will strengthen the bonds of unity, love, and release the spiritual forces that the world so desperately needs. आज के समय के लिए बहुत ही उपयोगी और आचरणीय, अनुकरणीय एवं शांति और ईश्वर को प्राप्ति का साधन होगी। इससे हमें ये सिखाता है कि सभी धर्मों को एक साथ होकर के एक ही बिंदु पर और एक ही लाइन पर अगर विचार तो विश्व में शांति प्राप्त हो सकता है। ऐसे में इस विषय पे फिल्म बनाना कि हम ये जाने कि हमारा गॉड कौन है, खुदा कौन है, अल्लाह कौन है और वो हमें क्या सिखाता है, वो क्या चाहता है, इस दुनिया में हमें क्यों भेजा है। अगर हम इस पर गौर करेंगे, अल्लाह को जानेंगे, तो उसको उसके जानने के लिए, समझने के लिए ये फिल्म तैयार की गई है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से शायद पहली बार धर्म दर्शन को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। फिल्म का नाम जो गॉड ऑफ गॉड्स है बहुत ही सार्थक है। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि ईश्वर को हम में से किसी ने भी देखा नहीं है, हम महसूस करते हैं। असल में ईश्वर हम सबके परे है, सभी धार्मिक परंपराओं के परे है। एक ही ईश्वर की औलाद के रूप में उस एक दूसरे को भाई बहन समझकर ये यही इस फिल्म का आखिरी संदेश है जिससे मानवता की एकता साबित होगी। ये मैं मंगल कामनाएं देता हूँ। उस मंजिल की ओर हम सब चलने के लिए हम सब प्रेरणा मिलती रहे। The movie is a beautiful reminder on how I think we need to get back to our basic fundamental values, our ethics, our humanity, and I think it was it's come at a very opportune time as well. It is my pure desire that this film, God of Gods, awakens the light in souls from all faiths, and that the light of God touches the hearts to transform people of the world. Films division ki ur se ye ek bahut hi sundar aur safal prayas hai ki aisi film jiske dwara hum sab ek hain aur ek ke hain ka sandesh सारी मानवता को जा रहा है। निसंदेह ये फिल्म जनमानस में जागृति लाएगी और सचमुच इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि विश्व की समस्त मनुष्य आत्माओं को अपने पिता की पहचान मिल रही है। और असल भगवान कौन है उसको ये पिक्चराइज किया गया है, शो किया गया है कि कैसे परमात्मा शिव इस समय धरा पे आके हम सब को ये बताते हैं कि आप हर कोई आत्मा हो और उस परमात्मा को। वेरी इंफॉर्मेटिव, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन द इंफॉर्मेशन एज अबाउट गॉड, क्रिएशन
and the present times. An excellent work.